अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैं शेयर करने वाली हूँ गार्नियर का मैसले वाटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेकअप करने के बाद मेकअप रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए, और मेकअप रिमूव जो है वो क्लींजर से ही होता है। ये क्लींजर का काम भी करता है और ये मेकअप रिमूव का भी काम करता है, और ये आपकी स्किन को किसी भी कुछ भी बीमारी वगैरह होने से बचाएगा। बिकॉज़ कि मेकअप अगर हम रात को लगा कर सो जाते हैं तो वो हमारी स्किन पे पड़े पड़े उसके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं और वो हमारी स्किन पे जो है वो एक्ने कर देता है। आजकल जो है वो जहाँ भी मैं देख लूँ एक ही सवाल होता है कि आप भी एक्ने के लिए कुछ बताते हैं, आप भी एक्ने के लिए कुछ बताते हैं। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, स्टेप बाय स्टेप एक्ने वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा एक्ने थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको कंट्रोल किया है। वो कैसे किया है? डेफिनेटली एक चीज़ से तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है चीज़ें, तो आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो आप लोग पूरी देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये मैसले वॉश कैसा काम करता है ताकि आप लोग ख़रीदने जाएं तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए और कौन सा नहीं, आप सेटिस्फाई हों और फिर ही आप बाय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग सोच होंगे कि मैसले वाटर की वीडियो है और मैं आप लोगों के साथ काजल पेंसिल क्यों शेयर कर रही हूँ, और काजल पेंसिल का रिव्यू मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद दूंगी, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी कमेंट्स में लोग पूछने वाले हैं कि आप ही कौन सा काजल था कौन सा काजल था। तो मैं बता दूँ, और बाइक की आवाज़ को करिएगा इग्नोर, ठीक है? अच्छा, मैं काजल इसलिए यहाँ पर ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है कि ये कितना वर्क करता है। आप लोगों को पता है कि काजल जो है वो चिमट जाता है स्किन से और बहुत मुश्किल से रिमूव होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर काजल ही यूज़ कर रही हूँ। इसको तो काजल ये मैंने लगा लिया है यहाँ पर, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। तो यहाँ पर मैंने ये अच्छा खासा काजल लगा लिया है और अब मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे रिमूव होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक कॉटन बर्ड, ये मैंने ले ली है। आपके पास अगर टिश्यू है या वाइप्स है तो वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये डाल लूँगी, चंद ड्रॉप ही डालने हैं, आपने ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि इसको भी बहुत चलाना है हमें, ठीक है? अब आप इसका रिज़ल्ट देखें, जादू। सिर्फ मैंने इसको एक टच किया है और देखें इसका जादू। अगर आपको इससे बिलीव नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और फार्मूला है वो भी दिखा देती हूँ। ये मैंने ले ली है लिपस्टिक, लिपस्टिक की हालत को करिएगा इग्नोर क्योंकि रैंडमली मैंने ये उठा ली है। और यहाँ पर मैं ये ले लेती हूँ कॉटन बर्ड, और जस्ट मैंने इसको इसके अंदर भिगोया है। ये देखें रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट है, खुद लग गया होगा पता। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं एक दफ़ा और दिखा देती हूँ, ये देखें इजीली ये आपके फेस से रिमूव हो जाएगा। अभी इसलिए ऐसा लग रहा है आपको कि मैंने ये कॉटन बर्ड से करा, लेकिन फिर भी देखें आप देख सकते हैं इंस्टेंट रिजल्ट है इसके, और बहुत अच्छा ये है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी स्किन पे एक्ने हो जाती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम मेकअप करने के बाद जो है इसको सही तरह रिमूव नहीं करते। तो आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड करी होगी मेरी बात को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा वाटर आपके लिए मैसले वाटर कौन सा बेस्ट है, गार्नियर का भी बेस्ट है। इंशाल्लाह और मुझे मिलेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।